साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों को रिजेक्ट कर चुके हैं और जहाँ पर स्टार स्टार अल्लू अर्जुन से शुरू करके डी बॉस दर्शन भी शामिल है। दोस्तों आज मैं ऐसे ही साउथ एक्टर का रिजेक्टेड बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो साउथ फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 15 प्रिंस महेश बाबू। जहाँ पर टॉलीवुड का सुपरस्टार प्रिंस महेश बाबू ने अपने साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी करोड़ों फैन का दिल जीत लिया है और पूरी इंडिया में उनका ह्यूज फैन बेस है और जहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि महेश बाबू ने बॉलीवुड में कदम रखे और जहाँ पर ये सच भी हो सकते थे अगर प्रिंस महेश बाबू ने बिजनेसमैन हिंदी रिमेक को रिजेक्ट नहीं करता। हाँ दोस्तों जहाँ पर बिजनेसमैन फिल्म का हिंदी रिमेक के लिए महेश बाबू को अप्रोच किया गया था पर उन्होंने खुद का फिल्म में रिमेक करने में इनकार कर दिया। और अगर बता दो दोस्तों इसका ओरिजिनल फिल्म के बारे में तो ये 2012 सुपरस्टार महेश बाबू स्टेरर एक एक्शन फिल्म रहा और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित थी। पर अभी हिंदी ऑडियंस के लिए एक काफी बढ़िया न्यूज है जहाँ पर प्रिंस महेश बाबू ने एसएस राजामौली के साथ एक अपकमिंग फिल्म कर रही है और जो फिल्म एक पैन इंडियन फिल्म होगा यानी कि जो फिल्म तेलुगु के साथ ही साथ तमिल हिंदी या कन्नड़ा में भी रिलीज कर दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमको महेश बाबू को हिंदी फिल्म पर नजर आएंगे तो इसके लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। नंबर 14 निविन पावली। जहाँ पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और यंग एक्टर है निविन और रिपोर्ट्स का मुताबिक निविन ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ एक बॉलीवुड फिल्म करने का प्लान कर रहा था और जहाँ पर दोनों का पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और जिसका स्टोरी एक अर्बन क्राइम पर बेस्ड था पर बाद में निविन पावली ने अपने मलयालम फिल्म को लेकर काफी बिजी हो गए और बाद में इसी फिल्म से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं आया। नंबर 13 रश्मिका मंदाना। जहाँ पर पूरी इंडिया का नेशनल क्रश है रश्मिका और साउथ का एक्ट्रेस में उनकी काफी हाइप है और जहाँ पर रिसेंटली जर्सी का हिंदी रिमेक पर रश्मिका को ऑफर दिया गया था पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और बाद में ये फिल्म चला गया नूराल ठाकुर के पास और जर्सी रिमेक एक अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसमें शाहिद कपूर को नेचेस्टर नानी के रोल में नजर आएंगे। दोस्तों अब जर्सी रिमेक के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। नंबर 12 पुनीत राजकुमार। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का पावर स्टार पुनीत राजकुमार को बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए ऑफर किया गया था और जब प्रोड्यूसर रॉकलिन वेंकटेश ने ये रिवील किया कि पुनीत को जब ऑफर दिया गया तब पुनीत ने पोलाइटली इनकार कर दिया क्योंकि उनको स्क्रिप्ट उतना अच्छा नहीं लगा। तो सबको क्या लगता है क्या बजरंगी भाईजान पर अगर पावर स्टार होता तो कैसा लगता कॉमेंट करके बताना। नंबर 11 तमन्ना। साउथ फिल्म इंडस्ट्री का मिल्क ब्यूटी तमन्ना की बाहुबली पर रोल देखकर बॉलीवुड का कई मेकर्स ने उनको अपना फिल्म पर अप्रोच किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ पर एक फिल्म था दो लफ्जों की कहानी पर तमन्ना ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और बाद में ये फिल्म चला गया और एक साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के पास और जो 2016 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म रहा और इसमें काजल को एक ब्लाइंड लड़की के रोल में नजर आई है पर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खास नहीं रहा और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 10 रॉकिंग स्टार यश। यश ने अभी कन्नड़ नहीं बल्कि पूरी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला एक्टर बन चुके हैं और जहाँ पर केजीएफ का ह्यूज सक्सेस के बाद बॉलीवुड का कई सारे डायरेक्टर ने यश को अपने फिल्म के लिए अप्रोच किया था जिस पर लाल कप्तान भी शामिल था। हाँ दोस्तों जो 2019 का एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म रहा पर रॉकिंग स्टार यश ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और बाद में ये फिल्म चला गया साइफ अली खान के पास और जहाँ पर उनको एक हंटर कोसाइन के रोल में नजर आई है और जिस फिल्म का रिलीज होने से पहले काफी हाइप पर था पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। पर जो भी हो तो सब यश को बॉलीवुड फिल्म पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। नंबर 9 रामिया कृष्णा। बाहुबली फिल्म रिलीज होने के बाद सभी लोग रामिया कृष्णा का काफी बड़े फैन बन चुके थे क्योंकि बाहुबली में रामिया ने एक काफी अहम रोल प्ले किया है और इसके बाद कई सारे हिंदी सीरियल पर रामिया को ऑफर दिया गया था पर उन्होंने अभी कोई सीरियल पर काम करने में इनकार कर दिया। नंबर 8 विक्रम। तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वर्सेटाइल एक्टर विक्रम को डायरेक्टर मानी रत्नम ने अपनी फिल्म रावण का अभिषेक बच्चन के रोल के लिए ऑफर किया था पर विक्रम ने उसी रोल को रिजेक्ट कर दिया पर बाद में उन्होंने आईपीएस देव प्रताप का रोल प्ले किया है और रावण फिल्म 2010 का एपिक एक्शन एडवेंचर फिल्म रहा
जहां पर एक किडनैपिंग केस से जुड़ाकर कहानी को दिखाई है, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप निकला। नंबर 7, अनुष्का शेट्टी। 2015 बाहुबली रिलीज होने के बाद नॉर्थ इंडिया में अनुष्का ने काफी हाइप पर चले गए थे, और इसके बाद अनुष्का के पास बॉलीवुड से कई सारी फिल्मों का ऑफर आ रहा था, और जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का शेट्टी ने करण जौहर का प्रोडक्शन का कुछ फिल्में रिजेक्ट किया है, और जिसमें रूमर्स के मुताबिक इत्तेफाक फिल्म शामिल है, और जहां पर यह फिल्म 2017 का मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, और अनुष्का ने रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म चला गया सोनाक्षी सिन्हा के पास, और जो फिल्म फ्लॉप निकला। और दूसरी तरफ अनुष्का के पास राजीव फिल्म का भी ऑफर आया था, और उन्होंने रिजेक्ट करने के बाद यह फिल्म चला गया आलिया भाट के पास, और जो 2018 का ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर फिल्म रहा। तो आपको क्या लगता है, आलिया की जगह पर अनुष्का होता तो क्या और भी अच्छा होता या नहीं, कमेंट करके बताना। नंबर 6, नागा चैतन्य। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का काफी यंग एक्टर है नागा। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपने फिल्म मनमर्जिया का वीके कौशल के रोल का ऑफर दिया था, पर नागा ने रिजेक्ट कर दिया। और जहाँ पर मनमर्जिया 2018 का रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहा, और जो फिल्म एवरेज निकला। नंबर 5, डी बॉस दर्शन। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री का चैलेंजिंग स्टार है दर्शन, और उनको बॉलीवुड फिल्म दबंग 3 का मेन एंटागोनिस्ट का रोल के लिए ऑफर आया था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में ये फिल्म चला गया दूसरा कन्नड़ सुपरस्टार कीचा सुदीप के पास। और सभी लोग जानते हैं कि दबंग 3 2019 का एक्शन कॉमेडी फिल्म रहा, और जहाँ पर सलमान खान के ऑपोजिट में सुदीप को काफी खतरनाक लड़ाई करते हुए नजर आई है, और जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 4, विजय देवराकोंडा। टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का रावड़ी हीरो विजय देवराकोंडा को बॉलीवुड से फिल्मों का ऑफर मिला था, और जहां पर डीआर कॉमेड का हिंदी रिमेक का ऑफर था, पर विजय ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर ने इसी हिंदी रिमेक के लिए विजय को 40 करोड़ का ऑफर भी दिया था, पर विजय ने उसे ऑफर को इनकार कर दिया। पर जहां पर टॉलीवुड में डीआर कॉमेड उतना अच्छा नहीं रहा, और जो फिल्म फ्लॉप निकला। तो दोस्तों, फ्यूचर में आप विजय देवराकोंडा का कोई बॉलीवुड फिल्म पर देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके बताना। नंबर 3, कीचा सुदीप। हाँ दोस्तों, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह कीचा सुदीप को 2016 बॉलीवुड फिल्म राय के लिए ऑफर दिया गया था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में ये फिल्म चला गया विवेक ओबेरॉय के पास। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदीप को इस फिल्म का स्क्रिप्ट उतना अच्छा नहीं लगा। नंबर 2, समांथा। हाँ दोस्तों, टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ब्यूटी क्वीन समांथा को यू टर्न फिल्म का हिंदी रिमेक के लिए ऑफर दिया गया था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में ये फिल्म चला गया तपसे पन्नू के पास। और जहाँ पर समांथा ने 2018 सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म यू टर्न पर नजर आई है, और जहाँ पर उनका एक्टिंग स्किल का कई सारी तारीफ की गई है। नंबर 1, अल्लू अर्जुन। हाँ दोस्तों, जहाँ पर नॉर्थ का कई सारे फैन ने एगली वेट करते हैं कि अल्लू अर्जुन का कोई बॉलीवुड फिल्म में आएगा, यानी कि डेट अल्लू अर्जुन का कोई हिंदी फिल्म में फैंस को सिनेमा हॉल में नजर आ गया। और जहाँ पर अल्लू अर्जुन को बजरंगी भाईजान फिल्मों के लिए ऑफर दिया गया था, पर अल्लू ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। उनका ये कहना है कि उनका हर फिल्म में काफी एक्शन मसाला जेनर का होता है, और दूसरी तरफ बजरंगी भाईजान एक इमोशनल ड्रामा टाइप फिल्म है, और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। और सभी लोग जानते हैं कि बाद में ये फिल्म चला गया सलमान खान के पास, और जो 2015 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म रहा, और जो फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसके बाद अल्लू अर्जुन को दूसरा बॉलीवुड फिल्म 83 के लिए भी ऑफर दिया था, और वो भी रणवीर सिंह के अपोजिट में, पर अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया, और जिस फिल्म को हिंदी के साथ ही साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज कर दिया जाएगा। पर अभी अल्लू अर्जुन का फैंस के लिए काफी खुशखबरी ये है कि अल्लू को एक पैन इंडियन फिल्म, यानी कि तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम, यानी कि सभी भाषाओं के लोगों ने मोस्ट हाइपबल अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म पुष्पा पर देखने को मिलेगा, और जब अल्लू अर्जुन को एक लॉरी ड्राइवर के रूप में नजर आएंगे। दोस्तों, अब पुष्पा के लिए कितना एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा वो सारी फिल्मों के बारे में जिस बॉलीवुड फिल्मों को साउथ एक्टर ने रिजेक्ट कर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस फिल्मों पर अगर कोई साउथ एक्टर नजर आते तो और भी अच्छा होता, तो कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, हो सके बॉलीवुड साथ ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।